हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है एजुकेशन इंजीनियरिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ चेक डैम। इसके अंदर हम लोग देखते हैं ग्रेविटी और बल्क डैम्स, मतलब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर। The check dams constructed by using loose stone, boulders, gabions and cement monster material are called gravity dams or bulk dams. जब इसे bulk material का use किया गया है करते हैं तो उस dam को हम लोग gravity dam या bulk dam कहते हैं। जैसे कि loose stones हैं, boulders हैं, gabions हैं या cement monster material के create कर रहे हैं dams। The slope of downstream face is kept backward and upstream face is generally vertical. तो डाउन स्ट्रीम फेस का जो पोर्शन है उसको बैकवर्ड की तरफ कैसे वर्टिकली स्लोप दिया जाता है, और अप स्ट्रीम का जो सो रहता है वो पूरा का पूरा वर्टिकल रहता है पोर्शन। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन होगा डाउन स्ट्रीम का और ये वाला पोर्शन होगा अप स्ट्रीम का। नेक्स्ट है लूज रॉक एंड बोल्डर। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। The stability of check dam is related against overturning, collapsing and sliding action. तो ये सब चीजें जो है वो एक डैम के फेलियर के कारण हो सकता है, ओवरटर्निंग या कोलैप्सिंग या फिर जो उसके साइड्स है वो कोलैप्स हो जा रहे हैं। ओवरटर्निंग का मतलब है कि यहाँ पे वाटर के अपलिफ्ट प्रेशर के कारण जो डैम है वो नीचे से टूटना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो वाटर का फ्लो है वो क्या बोला जाए, मतलब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है और ऊपर की ओर ऊपर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी ऊपर फ्लो करने लगता है जो वाटर लेवल है, तो उस केस में वो होता है ओवर टर्निंग। एंड कोलैप्सिंग का मतलब है कि स्ट्रक्चर का पूरा टूट जाना, और स्लाइडिंग एक्शन मतलब है जो साइड्स हैं किसी चैनल के जो साइड्स का वो कोलैप्स हो जाते हैं। द डैम वेट एंड वाटर फ्लोइंग थ्रू इट्स स्पिलवे एक्शन एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द प्रेशर ऑन इट्स अपस्ट्रीम फेस filled material is due to filled material to the spillway level acts in horizontal action. तो यहाँ पे क्या होता है डैम में generally, एक तो हम यहाँ पे downstream side पे जो pounding होता है water का उसका pressure जो है वो आता है डैम पे, और एक upstream side पे जो water फ्लो होने के बाद यहाँ पे इस पोर्शन में आता है उसका प्रेशर पड़ता है, और एक स्ट्रक्चर का खुद का भी वेट होता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर होता है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो ग्रेविटी डैम पे काम करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पासेस थ्रू फाउंडेशन एट द डिस्टेंस एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स वेट। यहाँ पे बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वो 2/3 से पास होते हैं विड्थ के, डैम के विड्थ के। नेक्स्ट देखते हैं आगे, लूज रॉक एंड बोल्डर चेक डैम्स। दीज आर रिलेटिवली स्मॉल चेक डैम्स, देयर हाइट इज मैक्सिमम अप टू 2 मीटर इंक्लूडिंग फाउंडेशन डेप्थ। लूज रॉक एंड बोल्डर चेक डैम्स मतलब जिसमें लूज रॉक का यूज किया जाता है उस टाइप के जो डैम्स होते हैं। तो ये सब जो डैम्स होती है वो छोटे होती है, मतलब छोटे हाइट की या छोटे पर्पस के लिए होती है। देयर हाइट इज मैक्सिमम अप टू 2 मीटर इंक्लूडिंग फाउंडेशन डेप्थ। तो फाउंडेशन से इसका जो हाइट है वो 2 मीटर तक होती है मैक्सिमम। द प्रेशर ऑन द ग्राउंड लेवल इज लेस देन 5 kg/cm² एंड इन दीज चेक डैम्स द वाटर प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू मिक्सचर ऑफ वाटर सॉइल सैंड पेबल्स ETC एक्ट ऑन द फील्ड मटेरियल्स। इस पे जो प्रेशर काम करती है वो होता है वाटर की वजह से, और वाटर के साथ मिक्स में जो सैंड सॉइल पेबल्स होते हैं उसकी वजह से, नॉट डायरेक्टली ऑन द डैम्स अपस्ट्रीम फेस। द डिजाइन ऑफ लूज रॉक डैम्स इज डन बाय कंसीडरिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब कि जो वाटर का जो प्रेशर होता है सॉइल डैम के निचले पोर्शन में, उस प्रेशर की बात हो रही है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। मतलब If there is mud flow in gully, then conservation of hydrostatic pressure should be there, because mud flow contains few percentage of water.
which develops hydrostatic pressure. The line action of hydrostatic pressure varies from 1.8 to 10 times of midwater depth. Various forces acting on the check dams are shown. इस फिगर में यहाँ पे फोर्सेस दी हुई जो वर्क कर रही है डैम पे. देन नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर. द फॉलोइंग यूनिट्स आर टेकन इन कंसीडरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स टू कंट्रोल वैली. द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स और अर्थ प्लग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लो एंड ऑफ गली एंड प्रीसीडेड टू द अपवर्ड. यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंड प्लग चेक डैम और एंड प्लग का कंस्ट्रक्शन जो है, तो फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि जो चेक डैम और अर्थ प्लग जो बनाते हैं वो लोअर एंड पोर्शन पे बनाते हैं गली के, एंड अपवर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी गली का जो पोर्शन है उसमें एक ही चेक डैम हमको बनाना है या एक ही गली कंट्रोल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. जहाँ पे जिस पोर्शन में इरोजन ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे कटाव ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे एक सुटेबल लोकेशन देख के हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बहुत सारे सीरीज ऑफ चेक डैम्स और सीरीज ऑफ गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का. तो इसलिए हमको लोअर एंड से चालू करना है और हमको आगे बढ़ना है अपवर्ड साइड पर. इफ रॉक मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लोअर एंड टू अपर एंड ऑफ गली फ्रॉम चेक डैम कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द अपर एंड ऑफ गली. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर जो रॉक मटेरियल है वो लोअर एंड से अपर एंड के पोर्शन पे हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम अपर एंड से चालू करेंगे कंस्ट्रक्शन. बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम ऑफ द गली हेड शुड बी स्टेबलाइज द कंस्ट्रक्शन सुटेबल चेक. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे अगर फ्लो है गली में तो पहले हमको फ्लो को चेक करना है, फ्लो को रोकना है, उसके बाद हम उसको स्टेबलाइज करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करेंगे वहाँ पे सॉइल को, जो आजू बाजू के साइड स्लोप है उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है द एक्टिविटीज मस्ट बी प्लान्ड इन सच ए वे दैट ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क शुड गेट कंप्लीट बिफोर रेनी सीजन. तो ये जो कंस्ट्रक्शन है हमको रेनी सीजन के पहला करना होता है, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज इन कंप्लीट स्ट्रक्चर. ठीक. तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ चेक डैम. तो अब अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर का तो उसका मेंटेनेंस भी करना हमको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन तो कर दिए लेकिन उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रेगुलर चेकअप नहीं कर रहे, इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, तो उसमें फिर फॉल्ट आ जाता है और उसका जो वर्किंग है वो ठीक ठाक नहीं रहता है, जो वाटर फ्लो होता है वो ठीक नहीं होता है. मतलब या तो वो अपनी कैपेसिटी से कम प्रूव करने लग जाएगा, कुछ उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी और वहाँ पर उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है, आप स्ट्रीम साइड पे जो डाउन स्ट्रीम साइड पे जो फ्लोइंग फ्लो होकर आ रही है जो सॉइल उसको रिमूव करना भी जरूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर फेलियर का कारण बन सकता है और उस स्ट्रक्चर की लाइफ भी कम हो जाती है. अगर हम उस स्ट्रक्चर रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं उस किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत तो लाइफ स्पैन जो बढ़ जाती है. तो मेंटेनेंस में देख लेते हैं द मेंटेनेंस ऑफ चेक डैम मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट टू ईयर आफ्टर ट्रीटमेंट ईयर. तो उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस जो करना है हमको वो टू ईयर तक के कंटिन्यू रखना है, उसके बाद हम बीच बीच में देख सकते हैं. द ट्रीटेड एरिया शुड बी केप्ट इन प्रॉपर इंस्पेक्शन फॉर एटलीस्ट वन ईयर. तो जिस एरिया में हमको स्ट्रक्चर बनाना है उस एरिया को हमको प्रॉपरली एक साल तक के तो इंस्पेक्शन करना है रेगुलरली, एक डिफरेंट फिक्स टाइम पीरियड में. The trees and grasses stabilized in gully catchment should be protected against fire, illegal wood cutting, grazing and encroachment. तो जो गली हेड या गली वाले पोर्शन पे जहाँ पर ट्रीज और ग्रासेस स्टेबलाइज की गई है तो वहाँ पर हमको चेक करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है उस एरिया को ताकि वो स्टेबल रहे अगेंस्ट फायर, इलीगल वुड कटिंग के या ओवर ग्राजिंग ना हो उस पोर्शन में. तो इन सब चीज़ों को हमको चेक भी करना पड़ता है. Then next है spacing of temporary structures. तो किसी गली पोर्शन में कितने सारे स्ट्रक्चर बनाने और उनके बीच की स्पेसिंग क्या होनी है हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. फॉर्मूला स्पेसिंग निकालने का h spacing is equal to h e divided by k tan theta
बट cos थीटा। तो एच ई है डैम हाइट मेजर फ्रॉम द क्रिस्ट ऑफ स्पिलवे ऑफ द वैली फ्लोर। देन के है कांस्टेंट, इट्स वैल्यू आर इज गिवन अस फ्रॉम फॉर tan थीटा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.2, जहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा 3 और tan थीटा लेस देन 0.2 के लिए k का वैल्यू हो जाएगा 0.5। द स्मॉल डैम यूजुअली 0.422 मीटर हाइट विच आर मेड ऑफ लोकल अवेलेबल मटेरियल लाइक अर्थ वुडन प्लैंक्स पोल्स ब्रश वुड और लूज क्रॉस लूज रॉक्स अक्रॉस द गली टू डिस्पाइट इरोजन नेचर ऑफ फ्लो। तो जो छोटे स्ट्रक्चर हैं उनकी हाइट 0.4 से 2 मीटर तक के हो सकते हैं और वो जनरली आसपास अवेलेबल मटेरियल जो रहता है उसी से ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है। तो उनमें उस मटेरियल आ सकता है अर्थन अर्थन मटेरियल्स वुडन प्लैंक्स पोल्स ब्रश पोल्स या फिर लूज रॉक जो है। तो ये स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो हीड 1976 के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे हीड आल्सो रिकमेंड फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर यूज ऑफ टेम्पररी वैली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। द लूज रॉक डैम्स आर इकोनॉमिकल फॉर हाइट ऑफ 2.45 मीटर। द सिंगल फेंस्ड ब्रशवुड डैम्स आर इकोनॉमिकल फॉर द हाइट रेंजिंग फ्रॉम 0.45 टू 0.75 मीटर। तो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर से वो 0.45 मीटर तक के इकोनॉमिकल होता है और अपर लिमिट जो है वो इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 0.75 भी दिया हुआ है हीट। अब इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कि जो कोई स्ट्रक्चर जिसकी उस हाइट तक के वो हमारे लिए फेजिएबल है, मतलब कि ज़्यादा उसमें खर्च नहीं पड़ रहा है और वो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन पे हम कम खर्च पे बन जा रहा है मिनिमम का एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डैम्स के लिए डिफरेंट हाइट दिया हुआ है इकोनॉमिकल सेक्शन का। एंड सेकेंड है दीज डैम्स शुड बी हीड इन टू द गली बैंक्स टू मेक द मोर स्टेबल अगेंस्ट स्लाइडिंग। यहाँ पे स्लाइडिंग से बचाने के लिए साइट को स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पहले। एट डाउनस्ट्रीम साइड एन अप्रॉन शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गली बेड टू चेक द फ्लो। तो स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं कोई तो वहाँ पे अप्रॉन क्रिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अप्रॉन के थ्रू ही वहाँ पे वाटर पॉन्डिंग क्रिएट होता है और वहाँ पे जो फ्लोइंग वाटर का जो वेलोसिटी है वो और जो एनर्जी है वो कम होती है, जिससे कि उस फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी और एनर्जी कम होने से फायदा ये हो जाता है स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ओवर टॉपिंग या ओवर टर्निंग की जो कंडीशन आ सकती है वो कम हो जाती है। फॉर गली बेड स्लोप 8.5 डिग्री द लेंथ ऑफ अप्रॉन शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर स्टीपर स्लोप 0.8.5 डिग्री द अप्रॉन लेंथ शुड बी 1.5 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बेड स्लोप दिया हुआ है डिग्री में 8.5 मीटर के लिए कम है ज़्यादा है, तो उस पोर्शन में हमको अप्रॉन की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। Towards the next point is towards downstream side of the apron, loose rock sill of about 1.5 meter in height should also be structured for creating the pull and dissipating the energy. So downstream side पे apron create करना जरूरी है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक portion create हो सकता है apron जहाँ पे water pounding होती है और जो flowing वाटर की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है अप्रॉन के थ्रू, इसलिए वहाँ पर डाउन स्ट्रीम साइड पे भी एक अप्रॉन क्रिएट किया जाता है जो कि 0.5 मीटर इन हाइट शुड बी आल्सो कंस्ट्रक्टेड क्रिएटिंग द पूल एंड डिसिपेटिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जो वाटर आता है तो वो एक हाइट से फॉल होता है, तो उस फॉलिंग वाटर की एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए डाउन स्ट्रीम साइड पे अप्रॉन बनाया जाता है जो कि होते हैं 1.5 टाइम्स इन हाइट ऑफ द डैम उसकी लेंथ जो होती है अप्रॉन की। द स्पिलवे शुड बी डिजाइन टू हैंडल पीक रन ऑफ रेट एट गिवन रिटर्न पीरियड यूजुअली 25 ईयर।
रिटर्न पीरियड मतलब है कि 25 रिटर्न ईयर पीरियड हम ले रहे हैं, उससे मतलब ये है कि 25 ईयर्स के उस एरिया में कितना पीक जो है फ्लड आया है, मतलब मैक्सिमम पीक फ्लड कितनी बार आया है, तो उस पूरे पीरियड को हम रिटर्न पीरियड बोलते हैं। क्योंकि हम उसमें चेक कर रहे हैं, उसमें रिटर्न पीरियड में जैसे 25 ईयर्स का देख रहे हैं, उसमें हम ये चेक करते हैं कि उस 25 ईयर्स में कितने बार पीक फ्लड आया हुआ है उस एरिया में या उस पोर्शन में। और कोई स्ट्रक्चर अगर हम क्रिएट करते हैं तो रिटर्न पीरियड के बेसिस पे ही किया जाता है, चाहे वो 25 साल का डेटा को लेकर किया जाए या फिर 10 साल के डेटा को लेकर, डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इन सब के बारे में भी आगे हम देखेंगे। अभी रिटर्न पीरियड कौन से स्ट्रक्चर के लिए कितना ले सकते हैं, तो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के लिए जनरली 10 साल का डेटा वो सफिशियंट होता है, और परमानेंट या सेमी परमानेंट के लिए यूजली 25 साल और 50 साल का डेटा जो कंसिडर किया जाता है। देन डेप्थ ऑफ स्पिलओवर का एक फॉर्मूला दिया हुआ, डी इज इक्वल टू क्यू बाई 1.65 लीटर पर एल, जो कि बॉटम विड्थ ऑफ स्पिलवे है एल, क्यू है पीक डिस्चार्ज एंड डी है डेप्थ ऑफ स्पिलवे इन मीटर। देन नेक्स्ट है फॉर स्पिलवे विद साइड फ्लो 1:1, बट टॉप ब्रिड LT of spillway can be obtained as LT is equal to L plus D, L bottom width of spillway और D depth of spillway। तो इन दोनों के सम से हमको मिल जाएगा टॉप width। Then next topic है हमारा permanent gully control structure, इसको देखते हैं हम लोग next video में। आज के लिए guys बस इतना ही, thank you guys।